नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर अगली दिवाली तक। सुब्रह्मण्यम स्वामी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का विश्वास व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि उक्त स्थल श्रद्धालुओं के लिए पूजा के लिए अगली दिवाली तक तैयार हो जाएगा। यहां विराट हिंदू संगम की बिहार शाखा द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा कि राम मंदिर की राह में आई रुकावटों को दूर किया जा रहा है, निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। अगले सप्ताह हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं, पर अगली दिवाली तक राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूजा के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि केवल विकास की बात कर कोई वोट हासिल नहीं कर सकता, चुनावी कामयाबी के लिए हिंदुत्व को भी याद रखना जरूरी है। स्वामी ने कहा कि अयोध्या में निश्चित तौर पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, साथ ही जगत जननी सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर का निर्माण हिंदू जागरण के लिए आवश्यक बताया, क्योंकि सीता जी के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि माता सीता का यह मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और वहां एक विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। स्वामी ने कहा कि देवों के देव महादेव के कोसी क्षेत्र स्थित सिंहेश्वर स्थान के शिव मंदिर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वेद शोधशाला की स्थापना की जाएगी।